हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर वीडियो ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं फूड सेफ्टी एग्जाम की। तो मॉक टेस्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। जो MCQs है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर फूड सेफ्टी एग्जामिनेशन। अगर आप फूड सेफ्टी एग्जामिनेशन या उसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम है फूड के रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये MCQs है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हाईलाइटेड है, आपको ये कवर करना है। ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट हो चुकी है आपके, उसके वीडियोज़ जो है दैट इज़ अवेलेबल, आप वो चेक कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। एज पर GMP गाइडलाइंस, द रेफ्रिजरेटेड फूड शुड बी स्टोर्ड बिलो। यहाँ पर है GMP गाइडलाइंस आपको कवर करना है। क्या पढ़ना है? GMP गाइडलाइंस आपको पढ़ना है। उसकी जो गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है, आपको पता होना चाहिए। GMP क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है, 5 सेल्सियस और बिलो, 0 सेल्सियस, 4 सेल्सियस और 8 सेल्सियस। तो आंसर दैट इज़ ए, ए इज़ द राइट आंसर, 5 सेल्सियस और बिलो। रेफ्रिजरेटेड फूड जो है स्टोर्ड होता है 5 सेल्सियस और उसके बिलो का जो टेम्परेचर होता है उस पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज पर GHP वाटर यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स शुड मीट द। यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट दिया गया है। GHP क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर वाटर जो यूज होता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उसमें जो वाटर यूज होता है उसकी एक पर्टिकुलर टेस्ट है। वो टेस्ट कौन सी है वो आपको आंसर करना है। यहाँ पर आंसर है दैट इज़ डी, डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में टेस्ट दी गई है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है, क्या क्या यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। यू कैन गो थ्रू दैट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HACCP हैज़ डिफाइंड CCPS। यहाँ पर HACCP के अंदर जो CCP है वो क्या है? ऑप्शन ए क्रिटिकल केयर पॉइंट्स, ऑप्शन बी क्रिटिकल कंट्रोल प्रोसेस, ऑप्शन सी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एंड ऑप्शन डी कोडेड कंट्रोल पॉइंट्स। यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। HACCP के अंदर जो CCP है वो है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। जो हैजार्ड एनालिसिस है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो आपको कवर करना है। उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स है HACCP के अंदर, तो वो आपको कवर करना है। HACCP has shifted emphasis from end product inspection and testing to, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए preventing control of hazards at all stages of food production, that is right answer। बाकी के जो ऑप्शन है, predictive control है, managing control है, corrective control है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ प्रिवेंटिव कंट्रोल। जो कंट्रोल है, जो हमारा HACCP के अंदर जो कंट्रोल है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 22000? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए, टू एस्टैब्लिश अ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए दैट इज़ राइट आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दैट इज़ राइट आंसर। यहाँ पर आपको कवर क्या करना है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको मस्ट है, वो आपको कवर करना है, वो आप पढ़ सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है। तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी फॉर इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू ISO IEC 17021 JM 2006 एंड ऑल्सो मेम्बर ऑफ IAF। तो ये कौन सी नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है फॉर इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू ISO? ऑप्शन ए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी BIS, ऑप्शन सी FSSAI एंड ऑप्शन डी FDA। ये जो बॉडीज है उसका क्या फंक्शन है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ
इंडिया ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर थ्री मेन हैजार्ड्स डिफाइंड इन HACCP. कौन से थ्री हैजार्ड्स है जो मेन थ्री हैजार्ड्स है जो कि डिफाइन किए गए हैं HACCP के अंदर. तो यहाँ पर जो है फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ये जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये जो हैजार्ड्स है दैट इज द थ्री मेन हैजार्ड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर इन HACCP. कितने प्रिंसिपल्स हैं, 6, 7, 5 और 4. ऑप्शन बी दैट इज राइट आंसर, 7 प्रिंसिपल्स है. वो कितने कितने क्या क्या है उसका प्रिंसिपल्स के अंदर कंसेप्ट क्या है वो आपको कवर करना है. विच मेथड इज यूज इन HACCP टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. कौन सी मेथड जो है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर यूज होती है टू आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आइडेंटिफाई करना है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, तो वो है जो मेथड्स है, चेकलिस्ट, 5A एनालिसिस, 5Y एनालिसिस, एलिमिनेशन टेक्निक्स, डिसीजन ट्री मेथड. तो यहाँ पर डी डिसीजन ट्री मेथड्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ISO 9001 इज विच काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी. दैट इज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. FAO, WHO एंड कोडेक्स्ट हैव मेंबरशिप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज. कितने कंट्री की जो है मेंबरशिप है, तो यहाँ पर 165, 200, 240, 100. तो 165 इज द राइट आंसर. अर्गो डिजीज इज कॉज्ड बाय विच माइकोटॉक्सिन्स. आपको माइकोटॉक्सिन्स भी कवर करने हैं, कितने माइकोटॉक्सिन्स है उसका डिजीज क्या है. ऑप्शन ए अफ्लाटॉक्सिन, अर्गोटॉक्सिन जो है पैथोजेंस है, ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अर्गोटॉक्सिन से अर्गो डिजीज होता है और अर्गोटॉक्सिन जो है दैट इज माइकोटॉक्सिन. यहाँ पर फूड हैजार्ड क्या है उसकी डेफिनेशन है वो आपको पढ़नी है. फूड हैजार्ड के अंदर क्या क्या कौन कौन से हैजार्ड्स है तो हमने पहले ही देख लिया, फिजिकल हैजार्ड्स है, केमिकल हैजार्ड्स है, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दैट इज राइट आंसर. विच ऑफ दिस इज अ बायोलॉजिकल हैजार्ड, इनमें से कौन सा है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है. ऑप्शन ए मेटल पीसीस, स्टोन, बैक्टीरिया और एग्रीकल्चर वेस्ट. तो सी दैट इज बैक्टीरिया, ऑप्शन थर्ड जो है हमारा राइट आंसर है दैट इज बायोलॉजिकल हैजार्ड्स. इनमें से कौन सा है केमिकल हैजार्ड्स है, वायरस, स्टोन्स, फंजाई एंड अफ्लाटॉक्सिन. तो ऑप्शन डी अफ्लाटॉक्सिन जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज केमिकल हैजार्ड. तो यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट थर्ड है दैट इज ओवर. आई होप इट इज हेल्पफुल टू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए. आई होप इट इज हेल्पफुल टू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.